क्लास, पिछली क्लास हम लोगों ने त्रिकोणमित अनुपात के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उनके जो भी सामान्य जो विशेष मान होते हैं साइन 90 के, साइन 30 के, कोस 90 के, कोस 30 के, 45 के, ना हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मानों की सारणी के बारे में सीखा था। हम लोगों ने सीखा था कि मानों कैसे याद रह सकते हैं या फिर अगर जब जरूरत पड़े तो कैसे बना भी सकते हैं, ये भी हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था। उस पर आधारित कुछ प्रश्न लिखे थे हम लोगों ने, जहाँ हम लोगों ने मान निकाले थे। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न जो है वो सिर्फ कीजिए। 11 तक प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे, आज हम उसका नेक्स्ट 12 प्रश्न करेंगे। सिर्फ कीजिए प्रश्न 12, देखिए क्या है 12 प्रश्न के अंदर। ये क्या करना है आपको, सिर्फ करना है, ठीक है। सरल प्रश्न है बिल्कुल, सारणी से सारे सारे मान है याद होने चाहिए, मान अपन सीधे सीधे प्रश्न में रख देंगे। प्रश्न का जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसके अंदर अपन मान डाल देंगे, ठीक है। तो डाल दीजिए तो क्या आ जाएगा, cos 30 का मान √3/2 याद होना चाहिए आपको ये मान। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप 4-5 बार याद करेंगे इंडेक्स को तो बड़ी आसानी से इंडेक्स याद हो जाती है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका भी साइन 60 भी कितना होता है, √3/2 ही होता है, ठीक है। ये 1 + cos 60 क्या होता है, 1/2 + साइन 30 क्या होता है, ये भी 1/2, क्लियर। यहाँ देखो √3/2 + √3/2, जैसे x + x कितना होता है, 2x होता है, तो जैसे ये भी क्या हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। और ऐसे नहीं है तो दो एलसीएम लेके करो, √3 + √3 आएगा, वो भी √3 ही होगा, वैसे ही होना है, ठीक है। यहाँ देखो ये हाफ एंड हाफ, आधा और आधा कितना हो गया, एक हो गया, एक और एक 2 हो गया, यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास, √3/2, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया, RHS में इक्वल करना था आपको √3/2। तो इस तरह की सिद्ध कीजिए वाले प्रश्न अगर दे रखे हैं तो अपन करेंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न और करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका उसको करते हैं। क्या है, 4 sin 30 sin² 60 degree +3 cos 60 tan 45 degree -cosec² 90 degree, ठीक है। इसको अपने को क्या करना है, सिर्फ लीजिए लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, राइट हैंड साइड आपको अलग सॉल्व करनी पड़ेगी, दोनों पक्षों को दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को अलग अलग हल करके अपन इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस प्रश्न के लिए ये वाला भाग निकल रहा है LHS से साल तक, ठीक है। तो LHS से देखो 4 की वैल्यू 4 आ जाएगी, साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। अभी आप स्टार्टिंग में सारणी से देख के करें, सरल पड़ेगा आपके, आपको याद हो जाएगा। एक सरल सा तरीका है सारणी याद करने का कि पेपर पर सारणी बनाए और जहाँ आप डेली पढ़ते हैं, जहाँ आपकी स्टडी पेपर है उसके सामने उस सारणी को चिपका दें, ठीक है। और जब भी आप ये प्रश्न हल करें सारणी के अंदर देख के, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, बीच में जब आप बीच में पानी वगैरह आप छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसमें आप सारणी को देखिए, ऐसा आप 4-5 दिन करेंगे तो 4-5 दिन के अंदर आपको सारणी अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक। आगे cos 60 कितना होता है, 1/2, और tan 45 होता है 1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा 1/4 √3 का स्क्वायर यहाँ 2 ये क्या हो जाएगा 3/4 है, ये 3/4, ठीक है। क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4 से ये 4 हो गया कैंसिल, ये प्लस और ये आ जाएगा 3/2,
ठीक है, यहाँ क्या बचा, 3/2 बचा, 3/2 प्लस 3/2, वैल्यू क्या आ गया अपने पास 2 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे जो आपका एल एफ एस है उसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। यहाँ पर नेक्स्ट आर एफ एस करेंगे अपना, ठीक है, 2 sec² 45 - cosec² 90 डिग्री। क्लियर? देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, sec स्क्वायर 45 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो sec स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप सबसे पहले cos 45 की वैल्यू फाइंड कर लो, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो उसका उल्टा वो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, यानी कि यहां पे इसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी √2 का स्क्वायर माइनस cosec 90 कितना होता है 1 होता है, sin 90 का मतलब cosec 90 का हो जाएगा उसका उल्टा, ठीक है, 1/√2 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 - 1 4 - 1 = 3। ये क्या है, एल एच एस आर एच एस इक्वल है, इसका ये मतलब हुआ कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा अपने पास, ठीक है, ये क्लियर हो गया अपने पास। अब आगे देखें, ठीक है, आगे इसको और अपन सॉल्व करेंगे, अभी ये हो गया, ठीक है, अगला प्रश्न देखें, अब अगला प्रश्न क्या हो जाएगा अपने पास, चौदह हो गया था, अब अपन अगला जो प्रश्न आएंगे वो है 17 प्रश्न अपने पास, ठीक है, ये बीच वाले प्रश्न जो मैं छोड़ रहा हूँ ये आपका होमवर्क है, ये स्कूल की एप पे आपको मिल जाएंगे, जो प्रश्न लिखे मैं सारे पीडीएफ डाल दूंगा वहाँ पे, स्कूल जो अपने सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसकी एप पे मिल जाएगी, और जो टेस्ट होगा वो भी उस एप पे प्रश्न पेपर मिल जाएगा, वहाँ पे आपका सारा सब कुछ वहीं होने वाला है, ठीक है, तो आप एक डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन नीचे है आपके लिंक में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 17 ये 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 10 30 इज इक्वल टू 6, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसका पहले जैसा करना है आता है 6 नहीं रहेगा, पहले से देखो 2 का 2 cos 45 कितना होता है 1/√2, इसको बड़ा करो ये का होल स्क्वायर प्लस 10 60 कितना होता है √3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 sin 45 1/√2 का स्क्वायर 10 30 1/√3 स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे नहीं, ठीक है, तो ये होता है, अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं क्या होता है, कहीं 2 1/√2 क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 3, ठीक है, माइनस 6 और यहाँ क्या होता है अपने पास ये 1/√2, क्लियर है, और ये हो जाएगा -1/√3, ये विदाउट स्क्वायर 6 वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर स्क्वायर लिखा नहीं, देखते हैं अगर यहाँ स्क्वायर आएगा अब इसको सॉल्व करके पता लग जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 2 ही आएगा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 2 ही आ रहा है, क्लियर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा ये 3 और 2 जा 6 -6, तो यहाँ बिल्कुल ये स्क्वायर होगा तभी सॉल्व हो गए, तो अपन इसको स्क्वायर कर लेते हैं, जैसे स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 3 2 जा 6 एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 - 1, क्लियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 2 7/2 2 से 2 कैंसिल माइनस 6 से 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगी 1, यानी इसको अगर अपन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो 7 - 1 7 - 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया, और अपना आर एच एस भी क्या है 6 है, इसका मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये प्रश्न आपको समझ आया होगा, प्रश्न को देखें नहीं समझ आया तो मेरे से वापस पूछें, ठीक है, इसके बाद अपन जो अगले प्रश्न करने वाले हैं वो 20 प्रश्न करें, ठीक है, देखिए
अब फिर इसको देखिए 20 अगस्त क्या हो जाएगा, 20 अपने पास cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा माइनस टू और ये हो जाएगा 3 प्लस 3। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोल रखा है, आप केवल साइन कॉस और टेन तीन ही आइडेंटिटी आपको याद करनी है, इसके अलावा सारे इसकी उल्टी हो जाती है भाई। कॉस से जितनी मिलते हैं सारे साइन उल्टे होते हैं, ठीक है। कोट जितने सारा टेन का उल्टा होता है, सेक जितने सारा कॉस उल्टा होता है, याद तो केवल साइन कॉस टेन ही करना है, उसमें से केवल साइन याद करना है, क्योंकि साइन इस तरह चलेगी कॉस उसका जस्ट ऐसे चलेगा, फिर टेन अपन बना लेंगे साइन अपन कॉस से, क्लियर है। यहाँ पे 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 और -6 तो वैल्यू क्या आ जाएगी -2। एक बार फिर देख लेते हैं प्रश्न को, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 30 प्लस 3 cos स्क्वायर 90 बिल्कुल। तो cos की वैल्यू क्या, cos 0 1 होता है, 2 कट हो जाएगा, cot 30 रूट 3 होता ही है, ठीक है। cos 90 हो जाएगा, फिर 1 -2 6 प्लस 3 यानी -2 हो जाएगा। ये तो अपना कौन सा पार्ट था, LHS पार्ट। यहाँ पे अपन अपन RHS सॉल्व कर लेते हैं, 2 का 2 हो जाएगा, सेक 40 का कितना होता है, रूट 2 होता है, तो ये रूट 2 का स्क्वायर माइनस टेन 60 कितना होता है, टेन 60 रूट 3 होता है, तो ये रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। तो किसके इक्वल है, LHS के, यानी कि आपका जो आर एच एस है वो किसके इक्वल आ गया, एल एच एस आ गया। कहने का यह मतलब हुआ कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ इसी सिद्धम। तो इस तरह से आप एक प्रश्न सिद्ध कीजिए और प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है ना, सरल है प्रश्न। एक प्रश्न और इसी एक्सरसाइज का प्रश्न है, कर लेते हैं उसी को भी, 6.1 का। देखो सिद्ध कीजिए और प्रश्न बहुत सरल है, सिद्ध सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। एक अलग प्रश्न है वो कर लेते हैं, 21 प्रश्न का आपका, 21 प्रश्न क्या कहता है, यदि x इज इक्वल टू 30 डिग्री हो, यदि x का मान कितना हो 30 डिग्री हो, तो आपको सिद्ध करना है। इसका एक 30 प्रश्न में करवा रहा हूं, बाकी आपको करने हैं, sin x इज इक्वल टू 1 - cos 2x इज इक्वल टू 2। जो प्रश्न बीच में छूटे हैं वो प्रश्न की जो PDF है बना के आपके अब तुम्हें जो ऐप है उसके अंदर डाल दूंगा, फिर भी आप अगर कोई डाउट हो तो या तो ऐप पे मेरे को कमेंट करें या फिर यहाँ नीचे इस वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपका जो भी सारे कमेंट छोड़ूंगा और जितने भी प्रॉब्लम होंगे सारी सारी आप यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन LHS की बात करते हैं तो LHS कितना दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है, तो LHS साइन एक्स है, मतलब वैसे क्या आ रहा है 30 डिग्री डाल रहा है, तो साइन 30। हम जानते हैं साइन 30 कितना होता है, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे अपन लोग, RHS सॉल्व करेंगे, ठीक है। RHS क्या दे रखा है अपने को, √1 - cos 2x/2। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - cos 2x यानी कि x की जो 30 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, cos 60/2। सॉल्व कर लेते हैं, 1 - cos 60 होता है 1/2/2।
तो एक में से आधा चला जाए कितना बचेगा, आधा बचेगा आधा, ठीक है। और इसको यहाँ आगे यहाँ को सॉल्व करना, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू टू, ये टू भी आएगा, ठीक है। 1/2 इंटू टू यानी वही लिखा आ जाएगा 1/2, यहाँ पे लिखा आ रहा था 1/2। कहने का मतलब हुआ कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो यहाँ पर अपने 6.1 जो प्रश्न आ रही है वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे एक क्लास में आप लोग विविध करेंगे, इसकी मिसलेनियस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। बाहर अगर त्रिकोणमितीय अनुपात विविध किए जाए तो स्टार्टिंग के जो MCQ यानी अर्ध सदैव वाला प्रश्न है उनको आपको करना है। सरल प्रश्न है, उसमें सीधे थीटा के मान रखें, सीधे सामने करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समझ नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके प्रश्न आपके करवा दूंगा, ठीक है। अपन अब तक प्रश्न करते हैं। हाँ, आज का क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। cos 60 की वैल्यू हमें याद है 1/2, ओके, ये डाल देंगे 1 - tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, ये 1/√3 है, हमें याद है। ये जो होता है 1/√3 होता है, तो 1 + इनकी सेम वैल्यू है, ये 1/√3 का होल स्क्वायर। ये सो डायरेक्ट मान इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 - 1/3 1 + 1/3, ठीक है। सॉल्व करने के ऊपर ऐसे आ जाएगा 3 - 1, ये ऐसे आ जाएगा 3 + 1 कैंसिल, 3 - 1 जाएगा 2 बचेगा, 2/4 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करें ना, 2/ यहाँ 1/5 बड़ा, तो क्या क्या है 2/4 आ गया। 3 - 1 गया 2/4, 3 - 1 = 4 हो गया, तो 2/4 हो गया। तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 1/2 LHS जो है इसके बराबर आ गया आपका RHS, हैंस प्रूफ। इस तरह से प्रश्न हो जाएगा आपका सॉल्व, ठीक है। अब कुछ आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न अपन करते हैं, ठीक है। ये देखिए एक सरल प्रश्न था शुरुआत का, आगे देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास। 13 प्रश्न देखिए सीधा, इसके बीच वाले प्रश्न छोटे छोटे सरल है, बताएंगे आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। cot थीटा की वैल्यू दे देखिए 1/√3, ठीक है। तो आपको प्रूफ दैट सिद्ध करना है 1 - cos²θ / 2 - sin²θ की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत सरल प्रश्न है, यहाँ पे क्या करना होगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, ये हमें हल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, थीटा की वैल्यू नहीं है। तो इस प्रश्न को दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो नाइन तुम लोगों ने क्या सीखा था, यदि हमारे पास इस तरह की दे रखी होती तो मैं कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको याद आएगा कि cot थीटा से 1/√3 दे रखा था, तो अपन ट्राइंगल पाइथागोरस निकालते थे। और हम जानते हैं कि cot इज इक्वल टू क्या होता है, लाल बटा कोटा, अगर आपको याद नहीं है एक बार आपको देख लेते हैं, लाल बटा कक्का, ठीक है। तो कोट जो होता है वो क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पे आधार ये है, लंब ये, ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3। करंट निकालो तो 3 + 1 = 4, ठीक है। 4 = 2, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन cos और sin की वैल्यू निकाल लेंगे, लंब बटा करण, आधा बटा करण इसमें डाल देंगे। ये तो प्रोसेस था 9th क्लास का, ठीक है। यहाँ क्या करें, आप अगर ऐसा करते हैं तो नंबर नहीं कटेंगे, आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन चैप्टर में जो दे रखा है उसके साथ अगर अपन करें तो देखो कैसा होगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3, cot में 1/√3 का पता है, cot में 1/√3 60 है, तो ये cot 60 तुलना करेंगे दोनों की तो थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा, 60। थीटा का मान क्या आ गया, 60 आ गया। अब 1 - cos²θ
अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये LHS है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की थीटा की वैल्यू क्या डालते हैं, 60, तो वन माइनस कॉस 60 अपॉन स्क्वायर, ठीक है, और टू माइनस साइन 60, क्लियर है। इसको कर लेंगे सॉल्व, तो यहाँ सॉल्व करते देना आपको, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, कॉस 60 क्या होगा आपको, कॉस 60 वन बाय टू, तो ये वन बाय टू का स्क्वायर अपॉन टू माइनस साइन 60 कितना होता है, रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है। वापस वन माइनस कॉस 60 कितना होता है, वन बाय टू, टू माइनस साइन 60 कितना होता है, रूट थ्री बाय टू, यहाँ पे वैल्यू जाएगी, क्लियर है। तो इसको कर लेंगे अपन लोग सॉल्व, तो वन माइनस वन बाय फोर, टू माइनस थ्री बाय फोर, क्लियर, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा ये क्लास, देखो इसका एलसीएम चला जाएगा, तो चार एकम चार माइनस एक यानी कि तीन बटा चार, ये तो तीन बटा चार हो जाएगा, ये क्या तो चार दून आठ माइनस तीन यानी कि पाँच बटा चार, चार से चार कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तीन बटा पाँच, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, तीन बटा पाँच, एलसीएम एक करोगे तो ये आएगा तीन बटा पाँच, और हमें क्या चाहिए था, तीन बटा पाँच ही किसके बराबर आ गया, आर किसके बराबर आ गया, कितनी सिद्धम, इस तरह से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। सर मैं आपका प्रश्न आपको आगे चले, अब हम देखो इन प्रश्नों को जितने आराम से करोगे उतना ही आपका फायदा होगा, आराम से है ना, सारे इंडेक्स आपको याद होने चाहिए, टेबल आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसके बाद इन प्रश्नों में कभी कोई दिक्कत आती ही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न अगर अपन करें, 14 प्रश्न देखो इसका क्या कहता है, थ्री टेन स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर 30 डिग्री माइनस एट साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू जीरो, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ देट इक्वेशन है, सिंपल था, पहले से सॉल्व करे थे हम लोग, पहले से इसमें क्या हो जाएगा, थ्री टेन थर्टी, टेन थर्टी क्या होता है, वन अपॉन रूट थ्री, ये लीजिए वन अपॉन रूट थ्री, सब टेन कर देते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस और थर्टी क्या होता है, रूट थ्री, ये स्क्वायर माइनस एट साइन 45 क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट टू का स्क्वायर, ठीक है, और थर्टी क्या होता है, रूट थ्री बाय टू का स्क्वायर, ठीक है। इसको कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा थ्री वन बाय थ्री प्लस थ्री, ठीक है, माइनस एट, ये क्या हो जाएगा वन बाय टू, भाई रूट है टू बन जाएगी, और प्लस रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, इस तरह, ठीक है, ये थ्री, थ्री थ्री सा नाइन एम टेन बाई थ्री माइनस एट, एलसीएम क्या आएगा, एट ही आएगा, एट आ रहा है एलसीएम, तो ठीक है, टू का टेबल अगर दो का भाग आठ में लेंगे चार बार जाएगा, चार एकम चार, दो बार ज़्यादा तीन दूनी छः, आठ से आठ कैंसिल, तीन से तीन कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई, दस माइनस छः और चार दस, दस बराबर दस की जीरो, ये भी क्या आ गया, इतनी सिद्धम आर से सिक्वल आ गया, हैंस प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो नया ऑब्जर्वेशन आपको, ठीक है, तो अब देखो आगे क्या हो जाएगा, आगे कुछ प्रश्न और करते हैं, तो मेरे पास 15 प्रश्न है, क्या कह रहा है कि फोर साइन टू की पावर फोर थर्टी प्लस कॉस 60 माइनस थ्री कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू
थ्री जो है फोर, ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फोर का फोर जाएगा, पहले से सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है। साइन थर्टी, साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, वन बाय टू होती है, ये वन बाय टू की घात एक बटा दो की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे, चार हो जाएगी आपकी, ठीक है। साइन तीस का मान प्लस साइन साठ का मान कितना होता है, सॉरी कॉस साठ का मान कितना होता है, एक बटा दो ही होता है, माइनस तीन। और पैंतालीस का मान एक बटा अंडर रूट दो का स्क्वायर माइनस साइन नाइन्टी कितना होता है, एक स्क्वायर हम सॉल्व कर देते हैं चार, ठीक है, एक बटा दो की घात चार, तो दो की घात चार मतलब एक दो तीन चार, चार चार सोलह होते हैं, ठीक है, एक बटा सोलह प्लस एक बटा टू माइनस तीन, ये हो जाएगा एक बटा दो माइनस एक, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। चार ऐसे बन जाएगा का सोलह आ जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक प्लस दो का बाद सोलह आठ मार लगेगा, तो यहाँ देखा आठ माइनस तीन, और इस आधे में से एक जाएगा एक बटा दो बचेगा, लेकिन एक बटा दो किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस एक बड़ा है आपका, यह हो जाएगा ये चार के पास कटेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नौ बट्टा चार प्लस ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस तीन बट्टा दो, क्लियर। इसको अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, चार आएगा, ये नौ और ये दो का बाद चार दो बार लगेगा, तीन दूनी छः, तो नौ छः और नौ, इसको आगे देख लेते हैं, पंद्रह बट्टा चार, यही हमें चाहिए, ये हमारा आंसर, क्लियर, ठीक। एक प्रश्न और डाल लेते हैं, इस प्रश्न आगे का छः पॉइंट अपनी जो दूसरे से विविध छठी उसका, उसके बाद छठी प्रश्न वाला खत्म हो जाएगी अपने, ठीक है। जो प्रश्न आपको होमवर्क दिए हैं उनको करें, और जो भी आपके डाउट हो कमेंट करें, सारे सारे डाउट आपके सॉल्व करके दूंगा, ठीक है, निश्चित रहे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप, टू कॉस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 इक्वल टू 6 लिख रहा है। चलिए एलएचएस लिख से वही वापस वही प्रोसेस है, सारे की सारी वैल्यूज देखो, इतने प्रश्न है, अगर सारे प्रश्न आप एक ही प्रश्न में एक बार हासिल कर लेते हैं तो सारे की सारी वैल्यूज जितनी भी वो जो सारणी है वो याद रहेगी। आप एक बार ऐसे सात प्रश्न अच्छे से करते हैं बड़े प्रश्नचित मन से, एक बटा रूट दो का स्क्वायर प्लस टेन साठ कितना होता है, रूट तीन का स्क्वायर माइनस सिक्स साइन 45 एक बटा अंडर रूट दो का स्क्वायर माइनस टेन 30 वन अपॉन अंडर रूट एक का स्क्वायर। चलिए ये टू का टू हो गया, ये वन बाय टू प्लस थ्री माइनस सिक्स, ये क्या हो जाएगा, वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री, ठीक है, ये टू का टू आ जाएगा, तीन दो छः और एक सात बट्टा दो माइनस छः, ऐसे में आ जाएगा छः तीन माइनस दो, छः से छः कैंसिल, दो से दो कैंसिल, ठीक है, बचा क्या है यहाँ पर, सात बचा ही भाई, दो से दो कट गया, यहाँ छः से छः कट गया, ठीक है, सात बचा माइनस तीन में से दो चला जाएगा तो एक बचेगा, यानी कि एक, इस तरह से ये हो गया छः इज इक्वल टू आर एच एस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा छठे प्रश्न हमने कंप्लीट हो चुकी है, विविध समय हम लोगों ने एक प्रश्न कर लिए, सारे प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सारे मैंने करवा दिए विविध के, बहुत सारे कुछ एक प्रश्न बचे हैं जो आपके लिए होमवर्क है, उनको करें आप, अगर उनमें भी कोई डाउट है आपका तो आप जो कमेंट करें, इसके जितने भी उदाहरण है सारे उदाहरण करें, उदाहरण में भी अगर आपको कोई डाउट है कोई प्रश्न नहीं हो पा रहा है तो उसका भी कमेंट करें, उदाहरण भी मैं आपको करके दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।